ये एक वो है, एक नाव सब वो है, कवाली भी होता है ना। रूठने का सबब को तुम
मेरा फारूक करंदरी साहब और हमारे डैडी का शमशाद करंदरी और हमारे बड़े भाई का शाहरुख करंदरी और हमारे ढोलक मास्टर मासूम मोहम्मद आपका साजिद खान छोटे वाले का छोटा वाला बच्चा ये नाम बताओ साजिद सब शुक्रिया भाई लो हमारा इस पे नाम लिख रहे हैं तीनों ठीक है थैंक यू हाँ ये जो है मुकर्रम खान ये जो सामने जो ये मॉन्यूमेंट है ना ये जहांगीर के मिनिस्टर थे बहुत ही सीनियर मिनिस्टर उनका नाम था मुकर्रम खान तो ये 16th सेंचुरी श्राइन है इनकी पूरी फैमिली इसके अंदर वो है इनका कब्र है इसके अंदर चलिए और ये यहाँ पर एक छोटी सी एक कुआं है ये कुआं बहुत ही ब्लेस्ड कुआं माना जाता है कहा जाता था कि जब पहले ज़माने में लोग आते थे यहाँ पर इस कुएं का पानी पी के रात में सोया करते थे हाँ ये जो दरगाह है दरगाह के लिए जो कब्र है ये उर्दू के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट शायर हुए हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब हैं उनकी ये कब्रगाह है और अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब जो हैं इनकी खासियत क्या थी यहीं के रहने वाले थे पानीपत के और उन्होंने किसी तरह की कोई फॉर्मल एजुकेशन खुद तो नहीं ली थी किसी स्कूल में नहीं गए लेकिन बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे गालिब के साथ इन्होंने बैठ के दिल्ली के अंदर और उर्दू के कुछ लखनऊ के टीचरों से लर्निंग करी सेल्फ टॉट टीचर थे और अपने ज़माने के वन ऑफ द बेस्ट टीचर माने गए ये उर्दू के एच एन सिंह कॉलेज लाहौर में इन्होंने पढ़ाया कुछ दिनों तक सिविल सर्विस में भी काम किया 1857 में जब आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी उस वक्त गवर्नमेंट ने इनको अपने सर्विस से बर्खास्त कर दिया और उसके बाद फिर इन्होंने काफ़ी काम किया और जो सोच इन्होंने उर्दू की शायरी में लाई उस सोच के बारे में कहा जाता है कि उर्दू शायरी को एक नई इतलाह मिली और सबसे बेहतरीन बात ये थी कि इन्होंने गालिब के साथ काम किया और बाद में गालिब की वन ऑफ द फाइनेस्ट जो बायोग्राफी लिखी गई है वो इन्होंने लिखी है जी करेक्ट सर